मैं डिंपल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा बल्कि आज हमारे पास कीट विषय विशेषज्ञ संगीता शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है और ये हमारे मशोबरा रिसर्च सेंटर में कार्यरत है एंटोमोलॉजी साइंटिस्ट है हमारे। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ये बताएं फार्मर को चार्ट के माध्यम से कि जो इसमें ज्यादा क्लियर है कि जो फ्रेंडली। मैं ये अब आपको बताना चाहूंगी कि हम फार्मर को इतना ज्यादा वरीड नहीं करना चाहिए। कुदरत ने हमारे को जहाँ हानिकारक कीट दिए हैं उसके साथ साथ हमारे को फायदेमंद कीट भी दिए, जैसे कि आप पहले ही वाली फोटो देख पा रहे होंगे तो इसमें लेडी बर्ड बीटल है जिसको सारे बच्चे भी जानते हैं, इसके साथ एक लार्वा है, इसने देख रहे होंगे आपकी मुंह एफिड को मुंह में पकड़ा हुआ है। अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना भी करें और यही आपके फील्ड में बहुत ज्यादा हो तो ये खुद आपके कंट्रोल कर लेता है, और अगर हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। दूसरा आता है सिरफिड फ्लाई, ये वाले जिसमें आप इसको हम सुनहरी मक्खी भी बोलते हैं, जब आपके फूल पड़ते हैं मधुमक्खी के साथ साथ आपने देखा होगा सिर्फ फ्लाई भी मिलती है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो पेट है वो चपटा होगा और ये बड़ी एक जगह खड़े रह के घूमती है। ये भी हमारी मित्र माइट है, एक ये क्राइसोपा बोलते हैं हम इसको, ग्रीन बेस विंग है, ये भी शाम को लाइट के पास आता है, ये भी हमारा मित्र कीट है। इसके अलावा एक एंथ्रोकोरिड बग है, ये माइट को कंट्रोल करने में बड़ा ही फायदेमंद साबित होता है, ये भी हमारा मित्र कीट है। जैसे कि हमने ये देखा कि ये आपकी प्रीडेटरी माइट है, जो नुकसान करने वाली माइट है उसको खाती है। जब इसने यूरोपियन, अगर ये आपको दिख रहा होगा तो ये थोड़ी सी लाल रंग की, इसका मतलब इसने यूरोपियन रेड माइट को पे फीड किया है। ये वाला जो ऊपर वाली आप फोटो देख रहे हैं ये वुली एप्पल एफिड की है जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो ये क्या करता है, इसके जो एफिड है उसके पेट में ये अंडे देता है और इसकी पॉपुलेशन अंदर चलती है। जब इसका एडल्ट निकलता है तो इसका पेट फाड़ के बाहर निकलता है और वुली एप्पल एफिड इस तरह से काले रंग का और उसमें से छोटे छोटे एग्जिट होल आपको दिखाई देंगे, तो ये भी कंप्लीट कंट्रोल करता है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि जिसके लिए मैं लांटो करते थ्रिप्स आपने सुना होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रीडेटरी थ्रिप होती है। अभी हमने मैंने एक आपको लाल रंग की दिखाई, ये वाली जो ऊपर ये काले रंग की है जिसमें आप व्हाइट और ब्लैक कलर के बैंड देख सकते हैं, तो ये हमारी मित्र माइट है और इसके बारे में फार्मर्स को कई बार पता नहीं होता और वो स्प्रे कर देता है जिससे कि इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। अगर हम कम से कम स्प्रे करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन आपके बगीचे में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और खुद वो कंट्रोल कर लेगा और कम से कम आपको केमिकल फ्यूचर में स्प्रे करना पड़ेगा। जैसा कि बागवान साथियों आपको एक कंप्लीट जानकारी मिली है, तो बागवान साथियों हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारे विषय विशेषज्ञ हैं साइंटिस्ट हैं नॉन यूनिवर्सिटी में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही लिए काम करते हैं और जरूरत है कि हम वो हमारे को वो जानकारियां नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं एक पैकेज एंड प्रैक्टिस की बुक जो नॉन यूनिवर्सिटी भी उपलब्ध करवाती है, आप शुद्ध हिंदी में होती है वो, हर फार्मर उसको ले सकता है, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और उसके साथ साथ थोड़ा एनालाइज अगर मैं करूं डॉक्टर साहब की बातों का, तो कहीं ना कहीं हमारे को ये देखना होगा कि जो हमारे इंसेक्टिसाइड है चाहे क्लोरोफोरिफॉस है थायोमेथोक्सम है, इस तरह के अगर हम इंसेक्टिसाइड बगीचों में करते हैं जितने भी ये फ्रेंडली पॉपुलेशन बताई गई है अभी, वो सारे के सारे मर जाएंगे, उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है हमारी माइट। एक तो ऑलरेडी हमारे पास खर्चे ज्यादा है हमारे बगीचों पे और हमारे को जो वापसी आ रही है वो बहुत कम आ रही है, तो हमारे को अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। कभी भी आपको वुली एप्पल एफिड मिलता है तो उसको आप स्पॉट स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने से परहेज करें और साथ ही साथ जितना हो सके अभी टाइमली आप HMO 2 लीटर के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कीजिए।